आगे। और सबसे पहले बात अयोध्या की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देशव्यापी बनाएगा बीएचपी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान घर में कम से कम 5 दीपक जलाएगा बीएचपी। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है और प्राण प्रतिष्ठा रामलीला का भव्य दिव्य और ऐतिहासिक हो इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और बीएचपी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देशव्यापी बनाने की तैयारी में है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हर घर में कम से कम 5 दीपक जलाएगा बीएचपी और राम मंदिर के लिए विभिन्न अभियान चलाएगा विश्व हिन्दू परिषद। मिट्टी का दीपक मंदिर के लिए वर्षों के इंतजार का प्रतीक होगा बीएचपी का कहना है। और खबर अयोध्या से। चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़ा बयान उनका सामने आया है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी को घोषित। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया निमंत्रण। बीते दिन देखिए ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी जहां ट्रस्ट के लोगों ने मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आभार जताया था और खुशी जाहिर की थी। तो अयोध्या से खबर, चंपत राय का बड़ा बयान। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी को घोषित। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया निमंत्रण और शिष्टाचार के तहत प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। 4000 संत होंगे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल। और संवाददाता संजीव इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजीव, चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की और बीते दिन तस्वीर और खबर सामने आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, बताएं जरा क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, लंबे समय के इंतजार के बाद अब रामलला जब गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है ये वो क्षण है जिसका भक्तों को इंतजार था। तो इसलिए अब विश्व हिंदू परिषद हो चाहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हो, ये अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गए हैं। करीब 4000 से अधिक साधु संतों को ठहराने के लिए बकायदे टेंट सिटी बताई जा रही है और वहीं जो भक्त आएंगे उनके लिए भी रहने खाने वो जो दैनिक उपयोग की व्यवस्थाएं हैं उसको करने में भी ट्रस्ट लगा हुआ है। साथ ही साथ अगर अयोध्या प्रशासन की बात की जाए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, तो एक मास्टर प्लान तैयार करने में जुट गया है कि किस तरीके से सुरक्षा का खाका खींचा जाए। तो कुल मिला के ट्रस्ट हो, अयोध्या प्रशासन हो, या राम भक्त हो, या तमाम हिंदू संगठन हो, वो कुल इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो तो वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। उस समय पूरे विश्व की नजर अयोध्या पर होगी, तो वो सारी व्यवस्थाएं करने में ट्रस्ट और सारे लोग जुटे हुए हैं, जिससे चाहे राम भक्त हो, चाहे अयोध्या वाले आने वाले साधु संत हो, या फिर विशिष्ट मेहमान हो, उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। तो कुल मिला के जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो इस स्तर पर की जा रही है कि जो देश विदेश सहित देश के अंदर बैठे राम भक्त हैं वो उसका उस क्षण का आनंद उठा सके। जी वाकई संजीव, यानी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है इस प्राण प्रतिष्ठा को। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें।